टाइप ऑफ मल्टीमीटर। सो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे जो कि मल्टीमीटर कितने प्रकार के आते हैं एंड उसका क्या प्राइस होता है एंड उसका क्या क्या बेसिकली काम होता है सब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास मेरा ये दुकान है, दुकान में देख सकते हो बहुत सारे जो कि क्लैंप मीटर एंड मल्टीमीटर रखा हुआ है। तो इसका दोस्तों आज हम बताएंगे इसका काम क्या है, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ बताएंगे आज हमको, ठीक है। एंड कौन सा वाला दोस्तों ओरिजिनल है, कौन सा दोस्तों डुप्लीकेट है, ठीक है, सब बताएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हम दोस्तों इसी टाइप से दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते। सो अभी हम दोस्तों बात करते हैं जो कि मल्टीमीटर के बारे में। सो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला येलो कलर का जो कि मल्टीमीटर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कीमती है एंड बाकी सब दोस्तों सस्ता है। एंड यहाँ पे और एक भी ये वाला थोड़ा महंगा है, बाकी सब दोस्तों सस्ता ही है। तो आपको यदि खरीदना है तो मेरे हिसाब से महंगा वाला ही बढ़िया है, नहीं तो यदि घटिया वाला मतलब लोकल वाला या सस्ता देख के लेने जाओगे तो इस टाइप का हाल होगा। सो दोस्तों मेरा जो कि ये पुराना वाला क्लैंप मीटर है, इसका दोस्तों क्लैंप की टाइप का है इसलिए दोस्तों इसका नाम है क्लैंप मीटर। इसको दोस्तों मैं ऑनलाइन से परचेस किया था, सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही दोस्तों घटिया क्वालिटी का मिला था एंड मुझे उतना जो कि नॉलेज भी नहीं था। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों फुल नॉलेज भी हो जाएगा। नॉलेज नहीं था, मैं दोस्तों इसको ऑनलाइन से ऑर्डर किया था जो कि एकदम बेकार है। इससे थोड़ा बढ़िया ये वाला है जो कि अभी भी काम कर रहा है, यानी चल रहा है, ठीक है, बट ये भी दोस्तों उतना मैं अच्छा नहीं बोलूँगा। इससे दोस्तों ये वाला जो कि बढ़िया लगा, देखने में छोटा है दोस्तों बट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी है। तो क्यों हैवी है मैं आपको बताऊंगा, जो कि ये वाला केबल देख तो बहुत ज़्यादा हैवी है जो कि टूटने से भी नहीं टूटता, मतलब कि इधर उधर खींचने से जो कि नहीं टूटने वाला। इसका केबल दोस्तों बहुत ज़्यादा जो कि लोकल है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो कि इसको केबल को भी रिपेयर करना हो चुका है मेरा, देख सकते हो। लीड जो कि ब्लैक कलर का था, मैं यहाँ पे रेड कलर का लगा दिया हूँ, जो कि ये वाला हेड से ही लीड जो कि ख़राब हो चुका था। तो इसे दोस्तों आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यदि आप लोकल वाला लेना चाहोगे तो, मेरे सबसे बढ़िया वाला लेना चाहोगे तो बेस्ट है। एंड इसका बढ़िया वाला का प्राइस क्या है, तो बढ़िया वाला प्राइस जो मीटर का प्राइस आपको मिनिमम जो कि 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा यदि बढ़िया वाला लेना चाहोगे तो। एंड वो दोस्तों उतना बड़ी बात नहीं, जो कि इसके साथ केबल भी जो कि बढ़िया वाला मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ केबल का ही प्राइस दोस्तों 150 रुपया है। तो आप चाहे तो बेटर मतलब बढ़िया वाला लेना तो बेस्ट है। एंड इसमें दोस्तों बहुत जो कि अलग अलग वेराइटी का भी है जो कि क्लैंप मीटर। तो दरअसल दोस्तों ये वाला है, यानी आप एम्पियर चेक कर सकते हो। एंड मेन जो कि इसका दो तीन आपको जो कि कॉमन चीज़ ही देखने को मिलता है एंड कुछ कुछ मीटर के अंदर जो कि स्पेशल चीज़ जो कि देखने को मिलता है, जैसे कि ये वाला मीटर के अंदर यहाँ पे जो सब मीटर के अंदर वही कॉमन चीज़ रहती है, जैसे इसके अंदर तो खास करके एम्पियर की तरफ ही ध्यान दिया गया है, जो कि एम्पियर देख सो 400 और 600, मतलब 400 से 600 एम्पियर तक इसमें चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका वोल्ट, यानी दोस्तों यानी ऊपर दोस्तों एक सिंबल भी है, तो आप देख सकते हो जो कि ये वाला सिंबल दोस्तों सिंबल ही मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ आप चेक कर पाओगे। यही दोस्तों आप इसको सिलेक्शन उल्टा करोगे, मान के चलिए आप इसको यहाँ पे सिलेक्शन करके आप इससे ये वाला दोनों प्लग को यदि आप बिजली के अंदर लगाओगे, ठीक है, तो आप बोलोगे मैं अभी वोल्टेज चेक करूँगा, बिजली में लगा दोगे तो तुरंत दोस्तों आपका मीटर जो कि उड़ जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिलेक्शन आप कहाँ पर कर रहे हो एंड क्या चीज़ आप चेक करो। मैं ज़्यादातर देखा हूँ जो मीटर ख़राब होने का, ये वाला एक ख़राब हो चुका है एंड ये वाला भी एक ख़राब हो चुका है। ख़राब होने का मेन जो कि रीज़न मुझे जो कि देखने को मिला, मैं जो कि इसका सिलेक्शन दूसरे जगह पे करके मैं इसको डायरेक्ट एसी बोल्ट के अंदर डाल दिया हूँ, तो जो कि ये वाला मीटर अंदर का जो कि इसका आईसी है क्या है उड़ चुका है। तो इसको दोस्तों वही जो कि मेन जो कि ख़राब होने का मेन एक ही रीज़न मिलता है वही, एंड उससे ज़्यादा जो कि कोई भी ख़राब का रीज़न मुझे देखने को नहीं मिला। मेरा 2-3 मीटर ख़राब हो चुका है, उसका जो कि कॉमन सा मेन चीज़ जो कि वही मिला, जो कि सिलेक्शन गड़बड़ करके इसको एसी बोल्ट के अंदर लगा दिया हूँ जो कि ये जल चुका है। एंड और एक सिलेक्शन जो कि प्लग को अभी यदि इंटरचेंज, मतलब जो कि यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसमें जो कि सिर्फ 2 है, इसमें कोई की जो कि झमेला नहीं है, इसमें जो कि 3 प्लग है यहाँ पे देख सो, यदि आप रॉन्ग साइज में जो कि लगाओगे यहाँ पे देखो 4 प्लग है, यदि आप जो यदि ये दोनों में यदि नहीं लगाओ, इसमें एक और इसमें एक लगा के यदि आप इसको डायरेक्ट लगाओगे बिजली के अंदर तब भी जो कि आपका मीटर जो कि ख़राब हो जाएगा। तो एक वाला यहाँ पे एक वाला यहाँ पे आपको लगाना है। सिंपल सा लीड भी आपको उसी कलर का ही देखने को मिलता है, जो कि एक ब्लैक कलर का एक दोस्तों रेड कलर का, यहाँ पे कलर भी मेंशन है जो कि ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये दोस्तों अच्छे से लगाना है, तो आपका मीटर यदि आप लोकल वाला भी लेना चाहोगे ना तब भी जो कि ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों मीटर जो कि अभी शो कर रहा है, मतलब बैटरी सब कुछ है इसके अंदर, जो कि मेरा पुराना वाला है इसलिए मैं इसको फेंका नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि बैटरी वगैरह सब कुछ सही है बट इसके अंदर जो कि डाटा भी उल्टा पुल्टा दिखा रहा है।
तो यही दोस्तों इसका जो कि मेन प्रॉब्लम है, मतलब जो कि यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो कि मतलब डाटा नहीं बताएगा अच्छे से आपको, यही जो कि इसका मेन रीज़न है। बस मीटर ही आपको ऑन होगा, बाकी कुछ भी अच्छे से आपको नहीं दिखाएगा। तो इसलिए जो कि आपको थोड़ा ये ध्यान दे के आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों अभी मैं बताऊँगा इसका मेन चीज़ क्या है, मतलब जो कि खास करके जो कि ये वाला मीटर का जो कि आप एम्पियर चेक करने के लिए ही यहाँ पे सिलेक्शन भी दिया है ए का। ये आप दोस्तों अलग दूसरा वीडियो देख सकते हो, जो कि उसके अंदर आपको मेंशन होगा जो कि हाउ टू यूज़ क्लब मीटर। तो उस वीडियो देखकर आपको दोस्तों ये वाला जो कि फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हो बहुत ही आराम से। अभी दोस्तों मैं कुछ कुछ का जो कि मेन काम बता देता हूँ, एंड कुछ कुछ दोस्तों ये स्पेशल मीटर है उसका भी मैं आपको काम बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो कि इसका मेला ना हो इसलिए मैं एक बॉक्स बना दिया हूँ, एंड इसका वायर जो कि लोकल वाला वायर जो कि टूट ना जाए इसलिए जो कि स्पेशल बॉक्स बनाया था। तो ये वाला एंड ये वाला मीटर सही है, मतलब एक ही है, तो मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ जो कि सबसे सस्ता पूरे दुनिया में सबसे सस्ता मीटर यही वाला है, एंड ये वाला से दोस्तों आपका जो कि लगभग 90% काम हो जाएगा, 90 नहीं 70 बोल सकते हो, 30% जो कि ये नहीं कर पाता है, जो कि दो तीन चीज़ मुझे देखने को मिला है, जो कि बिजली है या नहीं उसको दोस्तों ये नहीं चेक कर पाएगा। मतलब लाइव बिजली है तो इसके अंदर इंडिकेटर कोई नहीं है, जैसे इसके अंदर एक इंडिकेटर है, यदि बिजली है तो ये इंडिकेटर जलेगा, तो इसके अंदर वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सेकंड जो कि इसके थ्रू हम कैपेसिटर नहीं चेक कर सकते। थर्ड जो कि हम इसके थ्रू एम्पियर भी नहीं चेक कर सकते, एसी एम्पियर डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं। एसी एम्पियर दोस्तों हम इससे चेक कर सकते हैं, इसमें जो फंक्शन है लगभग सब इसी के अंदर है। इसके अंदर दोस्तों एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, एंड उसका जो कि एसी वोल्ट डीसी वोल्ट कंटिन्यूटी ये सब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसके अंदर एक खास चीज़ देखने को मिला, जो कि इसके अंदर एक लाइट जो कि देखने को मिला। सो इधर है लाइट, सो देख सकते हो लाइट जो कि जल रहा है, यानी जो कि अंधेरे में भी हम इसको बड़े आराम से काम कर सकते हैं। एंड ये वाला मीटर का दोस्तों प्राइस जो कि लगभग 1400 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि मुझे मिला है, एंड आपको तो इसने में ही मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो लाइट को ऑफ कर दिया, नहीं तो बिजली जो कि खर्च होगा, मतलब कि इसका बैटरी नष्ट होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड दोस्तों इसका एंड इसका दोस्तों सेम वही एक ही काम है, यहाँ पे फंक्शन ज़्यादा दिया है बट इसमें कम है, सेम ही चीज़ है इसके अंदर एंड इसके अंदर। तो आप इसको लो या इसको लो या इसको लो, तीनों का काम एक ही है, बट ज़्यादा जो कि स्मार्ट मीटर मतलब स्मार्ट है ये वाला, ठीक है, एंड ज़्यादा हैवी भी है। इसको देखो देखने में बहुत ज़्यादा मजबूत भी फीलिंग है, ठीक है। एंड ये वाला जो कि थोड़ा महंगा है, सब दोस्तों सबसे सस्ता यही मीटर है आपको, जो कि मैं जो कि ऑनलाइन से लिया था जो कि 500 रुपीज़, एंड उससे कम रेट में भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद थर्ड दोस्तों ये वाला वही सेम यही वाला मीटर है, बट दोस्तों इसके अंदर जो कि देख सकते हो सेम वही मैं बोला आपको सस्ता है, इसलिए इसका केबल जो कि ये भी नष्ट हो चुका था, बट मैं इसके अंदर जो कि दो वायर लगा के यहाँ पे इसका वायर मतलब इसका पिन बना दिया, इसके थ्रू यहाँ पे हम चेक करें मीटर दोस्तों अभी सही है, इसका कोई भी ख़राब नहीं हुआ है, एंड ये ख़राब भी नहीं होगा दोस्तों। ख़राब होने का जो कि मेन रीज़न आप एसी बोल्ट पे लगा दे तो ये दोनों वायर को एंड उल्टा रॉन्ग सिलेक्शन में करते हो तब दोस्तों जो कि ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है। एंड इसका जो कि बहुत ज़्यादा ही फंक्शन दिया है ये वाला मीटर से, ये वाला जो कि बहुत ज़्यादा ही इससे दोस्तों ये वाला बहुत ज़्यादा ही फंक्शन दिया है, एंड इससे छोटा छोटा चीज़ भी आप चेक कर पाओ ज़्यादा दोस्तों, ये वाला जो कि रेजिस्टेंस चेक करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होता है, एंड छोटा छोटे बैटरी को भी आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। जो कि ये मिली एम्पियर से लेकर एम्पियर तक दिखाएगा, मतलब जो कि मिली वोल्ट से लेकर डीसी वोल्ट तक दिखाएगा, एंड यहाँ पे जो कि ओम्स 200 ओम से लेकर 2000 मिलियन ओम तक भी इससे जो कि आप चेक कर पाओगे, एंड ये सबको हरा देगा ये वाला मीटर। क्यों पता है? इसके अंदर जो कि एक दो चीज़ स्पेशल है, जो कि दो स्पेशल होने का रीज़न यहाँ पे दोस्तों एक लाइव जो कि है, जो कि फिलहाल बिजली नहीं है, आप बैकग्राउंड देखकर खुद ही पता कर सकते हो। तो ये वाला मैं बिजली आने के बाद ही बताऊंगा। लाइव का मतलब जो कि दोस्तों लाइव बिजली है या नहीं आप जो कि चेक कर पाओगे, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जो कि लोग बोलते हैं अभी बिजली कट कर दिया हूँ बट वो असल में कट किया है या नहीं, ये दोस्तों यहाँ से आप चेक कर पाओगे। जैसे कि मैं अभी फिलहाल बिजली नहीं है आपको दिखा दूँ, बिजली आने के बाद भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सिलेक्शन दोस्तों मैं जो कि कर दिया हूँ लाइव में, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों मेरा जो कि ये वाला बोर्ड है, यहाँ पे जो कि बिजली है मतलब फिलहाल तो नहीं है बट ये दोस्तों यहाँ पे लगाऊंगा तो ये जो कि इंडिकेटर शो करेगा, मतलब कि इधर भी लगाया एंड इधर भी लगाया, मैं रेड कलर का लगाता हूँ, ठीक है। तो इधर भी लगाया जो कि इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। यदि रिएक्शन होगा तो दोस्तों यहाँ पे जो कि एक बीप सा आवाज़ निकलेगा, जो कि टी 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 इस टाइप का आवाज़ निकलेगा, एंड यहाँ पे जो कि रेड कलर का भी इंडिकेटर शो करेगा, ये जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड सेकंड दोस्तों ये यूएफ जो कि आप कैपेसिटर को भी आप इसके थ्रू चेक कर पाओगे, एंड कुछ जो कि और भी अदर जो कि फीचर्स है जो कि इसके अंदर जो है सब चेक कर पाओगे, प्लस जो कि अदर्स चीज़ भी आप चेक कर पाओगे इसके थ्रू। दोस्तों इसका सिलेक्शन है यहाँ पे जो कि हर्ट्स भी आप चेक कर पाओगे, जैसे कि ये वाला बहुत ही
मतलब जो कि बढ़िया बढ़िया चीज़ मिला, जो कि जैसे कि किसी के अंदर दोस्तों हर्ट्स चेक करने का जो कि ऑप्शन नहीं है। हर्ट्स का मतलब दोस्तों मोटर को, मोटर के अंदर नेम प्लेट के अंदर मेंशन होता है जो कि 50 हर्ट्स से चलता है, 60 हर्ट्स में चलता है, वो दोस्तों आप चेक करवाओगे जो कि आपका मोटर कितने हर्ट्स पे या फिर बिजली कितने हर्ट्स पर है। इसका दोस्तों मैं आज तक अभी चेक नहीं किया हूँ, बाद में कभी चेक करूँगा तो आपको बताऊँगा। जो कि हर्ट्स जेड मतलब जो कि मोटर के अंदर मेंशन रहता है 50 हर्ट्स में जो कि आपका मोटर चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो कि एक है, इसका भी उतना मेरे को पता नहीं है, ठीक है, इसको भी मैं बाद में चेक करके आपको बताऊंगा। एंड बाकी सब दोस्तों मुझे जो कि पता है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि UF लिखा है, ये दोस्तों जो कि हमारा छोटे छोटे जो कैपेसिटर होता है इसको दोस्तों हम चेक कर पाएंगे बहुत ही आराम से। जैसे कि ये वाला एक कैपेसिटर है जो कि 2.5 का, इसको भी दोस्तों हम बहुत ही आराम से चेक कर पाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल से हम इसको खोल देते हैं, खोलने के बाद तभी दोस्तों हम इसको चेक कर पाएंगे। तो इसका जो दोनों वायर है ना, दोनों वायर का दोस्तों आपको सिंपल सा ये जो प्लग है इसके अंदर आपको लगाना है। तो एक प्लग है यहाँ पे, एक दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन भी देखना पड़ेगा, जो कि ये वाला 2 MFD का है, 2 से आपको ज़्यादा रखना है, जो कि 2 से ज़्यादा 200 है, 200 पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो कि इसका रेंज बताएगा, तो इसके अंदर कितना जो कि रेंज है, तो चलिए अभी देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों जस्ट 1 सेकंड टाइम लेता है या फिर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि टच नहीं हो रहा, इसलिए जो कि ये नहीं बता रहा। सो भी वेट करते देखते हैं। तो ये दोस्तों जो कि पूरा ख़राब है, इसलिए जो कि इसके अंदर कोई भी डाटा कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो जो कि हम यहाँ पे लगा दिया हूँ। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट और एक जो कि कैपेसिटर लाते हैं। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू जो कि बता रहा है जो कि 1.0 है, मतलब जो कि ये वाला ख़राब है। अभी दोस्तों यहाँ पे नया वाला एक लगा के चेक करके देखते आपको दिखाते हैं। तो इसको सिंपल से हटा देता हूँ, देख तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो कि ये दोस्तों बढ़िया ब्रांड का है, जो कि देख सकते हो HTC, जो कि एक मतलब जो कि मल्टीमीटर के दुनिया में एकदम मस्त मल्टीमीटर, बढ़िया क्वालिटी का मल्टीमीटर बनाता है। यहाँ पे आपको मैं लगा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो कि बताएगा इसका रेंज जो कि देख सकते हो बढ़ेगा, जो जितने भी होगा उतने में जो कि स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देख तो मेंशन है जो कि मतलब जो कि दिख रहा होगा 1.0, यानी जो कि ये एक MFD इसके अंदर दम है, यानी दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। अभी दोस्तों हम जो कि यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों 4 MFD का, इसके अंदर दोस्तों दिखाएगा 4 MFD, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है +5% ±, जो कि 5% कम ज़्यादा जो कि होता है कैपेसिटर के अंदर, जो कि कितना भी होता है इसके अंदर जो कि शो करेगा। अभी देखोगे ऑटोमेटिक जो कि काउंटिंग मीटर देख सकते हो, काउंटिंग ऑटोमेटिक शो कर रहा है। यहाँ पे मैं वायर लगा दिया हूँ 4.1 ±, दोस्तों यहाँ पे कंपनी ही मेंशन कर देता है, आपको ये देखना पड़ेगा, जो कि प्लस डिवाइडेड माइनस 5% लिखा है। तो शायद से कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेंशन है +-5%, जो कि +-5% इधर उधर होता है। ये दोस्तों जो कि बहुत ही एक अच्छा चीज़ देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों अभी लाइव टेस्ट जो कि करके हम इसको बिजली है या नहीं, फिलहाल तो नहीं है बिजली, आने देते। उससे पहले दोस्तों हम बता दें जो कि क्लाम मीटर सबका प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि ये मास्टर है, इसको इसका प्राइस, इसके अंदर और एक चीज़ जो कि कमी है, जो कि मेन ये जो कि आप इसका एम्पियर नहीं चेक करोगे, क्योंकि इसके अंदर क्लाम का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो कि 2 मीटर जो कि अपने हाथ में अपने साथ में लेके जाना पड़ता है, एक ये वाला और एक जो कि ये वाला लेके जाता हूँ। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो कि बात करते हैं इसका प्राइस, इसका प्राइस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़, 800 रुपया, 800+ है, ठीक है। एंड इसका दोस्तों जो कि प्राइस है सिर्फ और सिर्फ रायपुर का प्राइस बता रहा हूँ, यदि ऑनलाइन से लेने जाओगे तो आपको लगभग 250 से 300 रुपया। एंड ये वाला दोस्तों यदि ऑनलाइन से लेने जाओगे तो आपको 500 रुपीज़। ये वाला दोस्तों अब यदि ऑनलाइन से लेने जाओ सेम ही मीटर है, सेम ही प्राइस है 500। एंड ये वाला यदि ऑनलाइन से लेना जाओ तो जो कि 1400 रुपया है। एंड ये वाला यदि लेने जाओ तो वही सेम चीज़ है, जो कि 250 रुपया। एंड यदि ये वाला लेने जाओगे तो कि ये वाला सस्ता वाला है, ये वाला जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के अंदर, 500 से 600। कभी दोस्तों रेट अप एंड डाउन ऑनलाइन में होता ही रहता है, आपको भी पता होगा। एंड यदि दोस्तों इस सब मीटर को यदि आप ऑफलाइन से यदि लोकल मार्केट से लेना चाहोगे तो आप दोस्तों सस्ते में आपको मिल जाएगा, जो कि मिनिमम 100 रुपया 200 रुपया जो कि कम प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करें दोस्तों इसका जो कि लाइव के जो कि लाइव में रख के, अभी जो कि बिजली फिलहाल नहीं है, तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके बिजली को आने देते। आने के बाद मैं आपको दोस्तों यहाँ पे लगा के भी दिखाऊंगा स्विच जो कि ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। तो चलिए लाइन को आने देते हैं। अभी जो कि बिजली आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो जो कि लाइट जल रहा है। तो अभी मैं आपको दोस्तों इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो कि बना हुआ है, तो आपको दोस्तों कॉमन जो लिखा हुआ है इसका दोस्तों वायर आपको ले लेना है, जो कि ब्लैक कलर का ये वाला। आप रेड का भी ले सकते हो, बट रेड वाला लेने से दोस्तों एक जो कि प्रॉब्लम है, जो कि फेस हो या फिर न्यूट्रल हो दोस्तों ब्लिंक करता, मतलब कि टी आवाज क्रिएट करता है। यदि आप ये वाला लोगे तो आपको दोस्तों ये आप इजीली पता भी कर सकते हो कौन सा आपका फेस वायर है। एंड सेकंड दोस्तों ये दोस्तों आपका ब्लिंक भी करेगा ये वाला। तो आपको सिंपल से लाइव में सिलेक्शन कर देना है। एंड इसको दोस्तों डायरेक्ट जो कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि स्विच ऑन है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, तो कोई भी आवाज़ नहीं है।
एंड दोस्तों फेस में जब भी लगाएंगे तो दोस्तों आवाज क्रिएट देख सकते हो, फेस में लगाते हैं जो कि इसके अंदर से जो कि लाइट भी शो हो रहा है एंड आवाज भी शो हो रहा है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब दोस्तों हम इजीली पता भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको टेस्टर के थ्रू इसका जो कि मतलब जो कि यहाँ पे फेस वाला वायर है ये भी मैं आपको चेक करके दिखा। अभी हम दोस्तों टेस्टर लेके आ चुके हैं, अभी टेस्टर के थ्रू चेक करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि फेस वाला ये पॉइंट है एंड दोस्तों न्यूट्रल वाला पॉइंट है, फेस में जो कि हमारा लाइट जल रहा है एंड ये वाला जो कि इंडिकेटर भी मतलब जो कि मीटर भी हमें शो करा रहा है ये यहाँ पे फेस लाइन है एंड यहाँ पे जो कि न्यूट्रल वाला, ठीक है। तो हम स्विच को जब भी ऑफ कर देंगे तो साउंड भी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख दो, स्विच को कर देता हूँ ऑफ तो साउंड भी ऑफ हो चुका है। यहाँ पे मैं जितना भी हिला रहा हूँ तब भी जो कि साउंड भी नहीं निकल रहा, यानी दोस्तों हम इजीली अपने जो कि फेस का सप्लाई आ रहा है यानी हम इजीली चेक कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है ना तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे। आई होप दोस्तों वीडियो को देखकर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस सबका लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो इसका रेट वगैरह क्या कुछ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।